हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सिस्टम में लगी हुई रैम को कैसे चेक कर सकते हैं, क्या वो DDR1 है या DDR2 है या DDR3 या DDR4 है। तो देखते रहिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च पर क्लिक करने के बाद हमें सिर्फ सिंपल सा यहाँ पर सर्च करना है टास्क मैनेजर। सर्च कर लिए हमने यहाँ पर और इसे एक बार क्लिक कर दिया। और यहाँ से आने के बाद आपको सीधे से आना है यहाँ पर आपके परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर आकर क्लिक करना है मेमोरी पर। जैसे आप यहाँ पर मेमोरी पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा आपकी जो रैम सिस्टम में लगी है। अभी हमारे सिस्टम में रैम तो लगी है 4GB DDR3। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा अगर आपकी रैम जो भी होंगी DDR3 DDR4, तो यहाँ पर आपको साफ तौर पर लिखा हुआ दिखेगा। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।